ओके, अभी जो ताजा खबर है आज की वो ये है कि रीता को समोसा बनाना आ चुका है। जी आ गया मुझे समोसा बनाना है। अभी आपने अभी देखिएगा इतना प्यारा बनाया ना। ओए होए होए आईफोन में नहीं, इसको दूसरी साइड से, जरा आईफोन में वो जो मेल वाला आइकन होता है ना, सेम टू सेम। और ये हमारी रमजान का दूसरा बॉक्स भी आ चुका है, जिसमें जैन ने बहुत ही सारे अपने शान के मसाले, शामी कबाब मसाले, और ये देखिए ये इन्होंने कुछ ऐसे शीर खुरमा, बादाम खीर, बादामी खीर, ठीक है, और ये क्या है, चना मसाला, जलेबी। वाह, हम जलेबी भी बनाएंगे यार, वाह। शामी और ये है मेरे नूडल्स, रेड वाले चटपटा नूडल्स आ गए हमारे। ये नीमको भी आ गई है हमारी। और क्या है, ओके, वन मोर पैकेट। और रस भी आ गए हमारे, दैट्स व्हाट, साग, सरसों का साग। वाह जी वाह, क्या बात है, वी लव साग। शामी कबाब मसाला, कढ़ाई, एंड देन हमारे ये रस पड़े हैं, ये, दैट्स इट। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो जैसे आपको बताया रमज़ान करीम आ रहा है और हम लोग यहाँ पर रमज़ान की तैयारी कर रहे थे। हम लोग यहाँ पर शामी कबाब बना रहे थे, या हमने चिकन जो है वो ऑलरेडी कुकर में डाल दिया था और हम लोग दाल डाल रहे थे। शामी कबाब की प्रिपरेशन जो है वो फुल ज़ोर पर थी, क्योंकि हमने सोचा रमज़ान में टाइम नहीं होता है, तो हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। लोगों ने मसाला भी डाला है, जो इन शामी कबाब के अंदर ही होता है मसाला, ये वाला, ठीक है, शामी कबाब का मसाला हमने इसके अंदर डाल दिया है। बेसन, बेसन कह रही हूँ, इसके अंदर, ठीक है, कुकर के अंदर। और अब हम लोग जो है ना वो इसको बॉईल करने लगे हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ ग्राइंड करके। तो इट्स डन, अब हम लोग जा रहे हैं इसको ग्राइंड करने के लिए। फैन को हम लोग बंद कर देते हैं ताकि आपको क्लियर आवाज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जी, इट्स टोटली डन, और ये इसके अंदर ही जो है ना, जैन ने इस स्पून की हेल्प से वो इसको मैश कर दिया है, और बाकी जो है वो हम इस मशीन के अंदर इसको ग्राइंड करने लगे हैं। तो इसके अंदर जो है वो मैंने चिलीज डाल दी हैं, और ये मैंने कोरिएंडर भी इसमें डाल दिया। अब ये हम बना रहे हैं ग्रीन, मतलब जो ग्रीनी ग्रीन होता है इसके अंदर, ग्रीनी ग्रीनी क्या वो जो ग्रीनी मटेरियल होता है, तो इसके अंदर इसको बोलते हैं ग्रीन मसाला बना रहे हैं। हाँ चले, ग्रीन मसाला बना रहे हैं, इसको ग्राइंड करके वो इसके अंदर एंटर करेंगे। और यहाँ पर अभी जो ये है ना हमारा पुदीना, इसके अंदर अभी हम, सॉरी, धनिया, धनिया हम इसके अंदर ना अभी एग्स भी डालते हैं। टू एग्स, गुड टू गो। मैं इसको जो है वो मिक्स करने लगी हूँ। मिक्स करने के बाद जो है ना, मिक्स करने के बाद हम जो है ना इसको वो इसकी बॉल्स बनाते हैं। सो ये जो, ये देखिए, ये मेरा एक हमारा कोई मसाले का ढक्कन था, ठीक है, ये मैंने उसका कवर ले लिया। आप कोई भी इस टाइप का कवर ले लें, अगर आपको वो ऐसे इसकी छोटी सी बॉल बना के अगर आपको प्रेस करना है वो भी आप कर सकते हो, बट इफ़ यू वॉन्ट के परफेक्ट जो है वो इसकी शेप बने, देन आप ऐसे कर सकते हो। और उसके बाद आपको ये देखें कितनी प्यारी शेप बनी है, राइट। उसके बाद मैं सारी बना के और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारी एक लेयर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और बाकी जो है इसके ऊपर मैं ये बटर पेपर इसके ऊपर रख के और फिर दूसरी बनाती हूँ। तो कबाब्स जो है वो मैंने अब बना लिए हैं, और अब मैं क्या करने लगी हूँ, सारे के सारे मैं इसको साथ के साथ साफ करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि जब आप, और ये तीन एक्स्ट्रा बच गए थे, तो ये जो है ना ये फोर लेयर्स है, 32 जो है वो टोटल हमारे बने हैं। और हमने डिसाइड किया है कि हम लोग इसको जो इसका प्लास्टिक बैग होगा उसके अंदर इसको पहले इसको फ्रीज करेंगे, फिर इसको प्लास्टिक बैग में मैं रखूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद हम लोग 32 और बनाएंगे, तो टोटल हमारे हो जाएंगे 64। उसके बाद ये तीन हमारे एक्स्ट्रा है, जो कि दो जैन के और एक मेरा आज के लिए। तो अब मैं इनको जो है ये देखिए फ्रीज करने लगी हूँ। अपडेट, तो उस दिन जो हमने शामी बनाए थे ना उसमें से कितने हम लोग खा गए, आई थिंक 12-13 हम लोग खा चुके हैं। तो अब हम लोग दोबारा से शामी बना रहे हैं, और उसको आज ही, क्योंकि आज सैटरडे है और आज ही हम लोगों ने सब कुछ सेट करके रोल बना के रखने हैं। आई थिंक इट्स 2:30 or 3 इन चाइना राइट नाउ, और अभी हम लोग रोल्स बनाने लगे हैं और शामी बनाने लगे हैं। सब कुछ बना के अभी फ्रीज करते हैं, और उसके बाद जिपलॉक मैंने मंगवा लिए थे, उसके अंदर उसको स्टोर कैसे करूंगी वो सब मैं आपको बताती हूँ। रमजान की तैयारियां फुल पुरजोश से हैं, आई एम सो एक्साइटेड। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने तैयारियां कर ली है, शॉपिंग वॉपिंग कर लिया नहीं, कि हमारे किचन का फुल पुरजोश से हैं या फुल जोश से हैं, समझ नहीं आई, तब दोनों दोनों सेम सेम। तो अभी जो है ना वो हमारा किचन काफी गंदा हुआ है, छोटा सा किचन है,
और ये देखिए काफी चीजें इधर उधर मैसी मैसी, देखिए बॉक्सेस ऐसे रखे हुए हैं, ये बॉक्सेस जो ऑर्डर किए थे हम लोगों ने चीजों के, अभी इसको सेट करना है। और यहाँ पर भी जो सुबह एग्स बॉयल किए थे उसकी चीजें पड़ी हैं, तो बस अभी काम करते हैं ऐसे ऐसे। सो दैट्स आवर जिप लॉक, और इसके अंदर मैं ये शामी जो है वो डाल रही हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या किया था, ये देखिए मैं अब आपको दिखाती हूँ इसकी लेयर। देखिए सबसे पहले इसके ऊपर ये देखिए ट्रांसपेरेंट ये जो शीट होती है ये है, उसके बाद नीचे शामी है। अब मैं शामी को उठाती हूँ, अब ये हल्की सी इसके ऊपर चिपकी होगी, लेकिन ये देखें ऐसा नहीं होगा कि ये इसके साथ चिपक कर आ जाए, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ये इसके साथ स्टिक नहीं होकर आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं इसके साथ ये स्टिक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और अब मैं इसको जिप लॉक में इसलिए रख रही हूँ ताकि जब हमें ज़रूरत हो एक निकाली दो निकाली और उसको फ्राई कर लिया, ठीक है। सो हम लोगों ने ये वाली हो चुकी है हमारी, ये देखें जी गुड बाय लेयर, इस लेयर को भी गुड बाय बोलते हैं, ये लास्ट वाली लेयर है अब हमारी। तो साथ के साथ जो है ना, मुझे अच्छा लगता है कि चीज़ों को साथ के साथ मैं सेट कर दूं ताकि ज़्यादा गंद नहीं हो। और जो लास्ट वाली लेयर है ना, अब इसका देखते हैं क्या सीन है। चलें जी देखिए, ये भी इसके साथ स्टिक नहीं हुआ है, ये आइस है, ठीक है। ओके तो यहाँ पर मैंने पोटैटोज़ को मैश किया, ये देखें सारे पोटैटोज़ हैं। और उसके बाद जो मैंने अभी शामी के लिए जो कीमा बनाया यहाँ पर हम लोगों ने, वो ही मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। तो अब ये आलू प्लस कीमे वाले जो हैं वो रोल बन रहे हैं, कीमा मतलब जो चिकन कीमा था। सो आई कैन ईट चिकन दैट वे, ओनली विद शामी कबाब और ओनली विद दिस सॉर्ट ऑफ समोसाज, यू नो। चले बहुत मुश्किल हो रहा है एक हाथ से वीडियो बनाना, मैं ज़रा इसको मिक्स करती हूँ फिर वापस आती हूँ। अब ये हैं जी, हमने ग्लव्स मंगाए हैं, ठीक है। हमारे ग्लव्स पीवीसी ग्लव्स जो थे वो ख़त्म हो चुके थे, तो अभी ग्लव्स वेयर करके मैं रोल बनाती हूँ। और इसके ये जो हमने बनाया सारा, इसके मैं बनाती हूँ शामी, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा रोल बन रहा है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो इसके शीट्स होती है ना, ये मैंने बाहर से ऑर्डर की हैं, ठीक है, इंडियन स्टोर से। और उसके बाद ये मैंने आपको बता दी हमारा मसाला है, और ये मैं इसमें थोड़ा सा रखती हूँ, और रखने के बाद मैं इसको रैप कर देती हूँ। रैप करने के लिए मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा इसमें आटा मिक्स किया है और पानी मिक्स किया है, और इसको मैं इसके साथ जो है ना वो स्टिक करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। सबसे पहले पहले हम थोड़ा सा इसको साइड पर ऐसे लगाएंगे, ऐसे करके इसको, एक्चुअली यहाँ रखना था मुझको, बट इट्स ओके। यहाँ तक ये रोल हो गया, उसके बाद हम इसको यहाँ पर ऐसे लगाकर फोल्ड कर रही हूँ। ठीक है, दोबारा से हम इसको लगा देंगे इसके ऊपर, और सेम हम वहाँ से भी ऐसे ही कॉर्नर करेंगे इसका, उसके बाद इसको ऐसे ले आएंगे, देखिए ठीक है। और जब ये जो बच जाएगा, अब यहाँ पर भी फटाफट से लगाकर देखिए इसको रोल कर देंगे। हो गया जी, ये हमारा हो गया रोल नंबर टू। ये मैंने दूसरे मेथड से रोल किया है, जो पहले वाला है वो ऐसे देखिए सिंपल वाला रोल किया है, बट आई डोंट नो, आई फील लाइक मे बी दिस इज बेटर, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्रंची होगा। तो अभी इसी तरह से मैं समोसे भी बनाती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए कैसे बनाया, जो आईफोन में नहीं, इसको दूसरी साइड से, जैसे आईफोन में वो जो मेल वाला आइकन होता है ना, सेम टू सेम मेल। यार मैं समोसा भी ट्राई। देखिए जी, लाइफ का रूल है, कभी भी आप ऐसा नहीं होता है कि आप हर दफा में जो है ना वो आप टॉप करें, ठीक है, आप फेल भी होते हैं। जब हम छोटे से होते थे वो बनाते थे ना जहाज। ज़ैन, ये जहाज नहीं, ये समोसा है, इट्स समोसा नाउ, ओके। अब इसका नहीं आपने मजाक उड़ाना जी, यहाँ से एक मिनट, मैं अभी आपको दिखाती हूँ गाइस, एक सेकेंड गाइस, बस एक सेकेंड रुकिएगा। ये हमारा इतना मजेदार, कम ऑन हनी, यू कैन डू इट, आई कैन डू दिस, आई नो, आई गॉट इट, आई फिगर्ड इट आउट बाय माय सेल्फ। यस, ऐसे करके ऐसे कर ले, मे बी ऐसे, यस, ओ यस, ओ यस, इट्स गुड, राइट,
Yes, kind beautiful. Of like good samosa, yaar. Good Egypt samosa. Triangle. तो ये देखें, एक लेयर जो है ये बन चुकी है यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ये जो प्लास्टिक रैपर होता है मैंने इसको रैप किया, और उसके बाद ट्रांसपेरेंट रैप के बाद फिर मैंने ये जो बटर पेपर होता है उसके ऊपर ये रखा, और अब दूसरी सेकंड लेयर इसके ऊपर मैं जो है वो लगा रही हूँ। वन थिंग आई हेट द मोस्ट, जैन का सुबह जो है ना वो चाय को उठा रहे थे, उनका हाथ जल गया, तो बर्तन मैं धो रही हूँ, और देखे ये मैंने यहाँ से ये देखे जैन का हो इतना काम करने के बाद फिर जैन ने और मैंने डिसाइड किया कि यार मैं कब से काम कर रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे भी स्टडी करनी है। सो जैन वाज लाइक ओके लेट्स गो फॉर कॉफी, सो वी आर हियर फॉर कॉफी। ये एक मुझसे टूट चुका है, वो भी मेरा फॉल्ट था, मैंने इसको ऐसे करके रखा हुआ था तो इसको मैंने एकदम से उठाया तो टूट गया, और जो ये वाला है ये उतर ही नहीं रहा है, बाकी सब ये आ चुके हैं, तो बाकी सब जो है दे आर टोटली टोटली फाइन। एक थोड़ा सा लास्ट से ऐसा हुआ है, स्टिल लाइक आई थिंक वी कैन मेक इट वर्क, बाकी सब जो है वो बिल्कुल ठीक है। सो आई थिंक आई एम गोना पुट इट इन द फ्रीजर नाउ। तो ये जो लास्ट वाला मैंने इसको निकाला है ये भी टूट गया है, ठीक है, वो भी मेरा फॉल्ट है क्योंकि नीचे से प्लेट गीली थी, और जब मैंने उसके ऊपर बटर पेपर रखा और उसके ऊपर ही जो है रोल रख दिया, और पोटैटोज जो थे वो गर्म थे, तो शायद इस वजह से वो नीचे स्टिक हो गया है। अगर मैं प्लेट को ड्राई कर लेती तो ना होता, बट इट्स टोटली फाइन के आई थिंक 30 है टोटल, और उसमें से जस्ट दो टू हैं हमारे, और बाकी बिल्कुल ठीक है। सो या रमज़ान की तैयारी ऑलमोस्ट डन। तो ये थी जी मेरी रमज़ान की प्रिपरेशंस, और इंशाल्लाह आई विल अपडेट यू गाइस जिस तरह से मेरी सहरी रूटीन होगी और इफ्तार हमारी रूटीन होगी, मैं आपको अपडेट करूँगी। तो आई होप कि आपके वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और हम लोग जस्ट स्प्रिंग रोल्स ही नहीं खाएंगे या समोसास और ये शामी, डेफिनेटली वी विल ऐड वेजिटेबल्स एंड ग्रीन्स एंड यू नो सम लीव्स एंड फ्रूट्स, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आपको बताती जाऊँगी, जो जो हम लोग सहरी और रफ्तारी के लिए हम लोग जो जो कुछ खाएंगे, जो जो हमारा डाइट प्लान होगा। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको लगा है कि वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल है, या आप भी इस तरह से रमदान की प्रिपरेशंस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं होता है, आई मीन नो हेल्पर्स ओनली मी एंड जैन, सो इट्स रियली हार्ड समटाइम्स एज बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट टू मैनेज एवरीथिंग, और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका दिल नहीं कर रहा होता कि आप सहरी में कुछ बनाओ, या आप इतने टायर्ड होते हो कि इफ्तार में आपको नहीं दिल कर रहा होता, तो उसके लिए मैंने ये रोल्स वगैरह और समोसास एंड देन शामी कबाब बनाए कि अगर आपका दिल नहीं कर रहा आप निकालो, फ्राई किया एंड दैट्स इट, गुड टू गो राइट। तो या तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग रमज़ान से पहले क्या किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अपने रमज़ान के ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और या गुड लक एंड ऑफ कोर्स स्टे पॉजिटिव, बाय।